हेलो गाइस, तो Where क्या हाल चाल है आपका। स्वागत है are you? I'm in Quetzal. आपका Okay, wait YouTube की एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से GTA 5 खेल रहे हैं। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने FIB टावर में जाकर उनकी थोड़ी कुछ फाइल्स वगैरह उससे छेड़खानी वगैरह करनी है, तो उसी सिलसिले में हम अभी लेस्टर से मिलने पहुंचे थे। बट हमें ट्रेसी की कॉल आ गई और उसने बोला कि उसको एक बंदा छेड़ रहा है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और वो बोल रही थी कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ क्या नहीं, और आप जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए कि कौन वो बंदा था, और ट्रेसी से बात करने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। तो मुझे ट्रेसी ने अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी, तो हम अभी वहीं पर जा रहे हैं। तो बस हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ट्रेसी ने जो लोकेशन भेजी थी उसके हिसाब से वो रही ट्रेसी। तो अभी वो बोल रहे कि मेरी गाड़ी में चलते हैं, तो अपनी लैम्बो को Let's see साइड में if we पार्क can करते हैं और find उसके साथ चलते हैं। तो ट्रेसी ने अभी हमें बताया है कि जो वो बंदा था वो अभी यहाँ से जा चुका है जब उसने हमें कॉल की, बट वो पर्पल कलर की एक कन्वर्टेबल में था। और वो बोल रही है कि वो इधर ही आजू बाजू कहीं होगा। तो अभी हम बस आस पास घूम रहे हैं देखने के लिए कि अगर ट्रेसी को वो बंदा फिर से दिखता है। अभी यहाँ पर तो वो नहीं दिखा अभी तक ट्रेसी को, तो जल्दी से अभी दूसरी साइड पर चलते हैं देखने के लिए कि कहीं ये वो बंदा ना हो। तो हम अभी पूछ रहे हैं ट्रेसी से कि क्या हुआ था क्या नहीं, और ट्रेसी हमें बता रही है कि उसने अप्रोच किया था ट्रेसी को, क्योंकि ट्रेसी अभी एक मॉडल है, बट बाद में वो अजीब सी हरकतें करने लग गया। तो इसलिए ट्रेसी ने जब उसको बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो ट्रेसी बोली कि वो बाद में उसको गालियां वगैरह देने लग गया। तो अभी माइकल कह रहा है कि देखते हैं कि हमें वो मिलता है कि नहीं मिलता। तो हो सकता कि वो यहाँ पर कुछ खाने पीने आया, बट हमें यहाँ पर भी कहीं पर पर्पल गाड़ी दिख नहीं रही। तो ऐसा करते हैं कि किसी और साइड पर उसको देखना शुरू करते हैं, क्या पता हमें कहीं और मिल ही जाए। क्योंकि तो अगर वो ट्रेसी को यहाँ पर मिला था तो वो हो सकता कि वो यहीं कहीं आजू बाजू हो। यहाँ पर भी कहीं पर पर्पल गाड़ी दिख तो नहीं रही। अभी ट्रेसी ने गाड़ी को देख लिया है, तो अभी इसको मालूम चल चुका है कि हम इसके पीछे हैं। तो अभी ये रुक नहीं रहा, वो घबरा चुका है, गाड़ियां भाग रहा है। गाड़ी में कब तक भागेगा भाई, हमने गाड़ी के इसके टायर पंचर कर दिए। तो अभी ये भाग, रुक जा भाई, इसको तो भाई अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तो इसको तो पुराने हथियार से मारेंगे अपने। भाग गया भाई, इसका पीछा करना पड़ेगा। अबे यार, ये ट्रक वाला तो वैसे ही डर कर हमारे बीच में ट्रक मार दिया, बट कोई बात नहीं, पहले उस बंदे को पकड़ते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। भागेगा कहाँ तक, रुक जा भाई, सिर्फ बात करनी है तुझे, कुछ नहीं बोलना। तो अभी उसको मालूम है कि उसके साथ बातचीत नहीं होगी, उसके अभी पड़ेंगी। तो बस वो भाग रहा है, तो हम भी उसका पीछा कर रहे हैं भाई। इसको भगा भगा कर मारेंगे आज, तो देखते हैं कहाँ तक भागता है ये भाई। भाग तो काफी तेज रहा है भाई, कोई एथलीट वगैरह तो नहीं है ये। यहाँ लगता है पहले भी ऐसे काम करता होगा, और पता है अभी इसको पढ़ने वाली है, तो इसीलिए पूरी जान लगा कर भाग रहा है। कोई बात नहीं, भाग जहाँ तक भाग सकता है। अभी वो बोल रहा है कि मेरे से गलती होगी, छोड़ दो मुझे। बट अभी इसको मालूम चलेगा कि लड़कियों को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। अभी इसको काफी देर से हम बोल रहे हैं कि रुक जा, बट ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो मुझे लगता है कि इसके पैर पर ही गोली मारनी पड़ेगी। अभी रुक जा भाई, ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये पागलों की तरह भाग रहा है, ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे इसने भूत देख लिया हो। रुक जा भाई। तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक भागता है। मुझे लगता है कि एक आधी गोली और मारनी पड़ेगी इसको, क्योंकि मैं इसको मारना नहीं चाहता। बट अगर ये नहीं रुका तो भाई
ये जान से जाएगा। रुक जा भाई, तो नहीं रुकना, मत रुक। तो ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। रुक जा यार, फिर से भाग गया। अभी मुक्का लगा नहीं इसको, अभी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है। अभी तो इसकी गोली ही पड़ेगी। उठना मत, ये ले। तो ये तो अभी मर गया भाई, कम से कम 4 या 5 गोलियां खाई। बट मेक श्योर करने के लिए जिंदा ना बचे, इसको अच्छे तरीके से मारेंगे हम। तो ठीक है, इसको मार दिया। अब जल्दी से ट्रेसी के पास चलते हैं, वो हमें ढूंढ रही होगी वहां पर। यार भाई आजकल हर कोई बंदा गाड़ी बीच में मार रहा है भाई। माइकल का खौफ खत्म हो गया क्या इनके दिलों में? तो यार बाकी बातों को छोड़ते हैं और जल्दी से अभी ट्रेसी के पास चलते हैं, वो हमारा वेट कर रही होगी वहां पर। और अभी उसको जाकर वहां पर बताना पड़ेगा कि हम बंदे को नहीं पकड़ पाए, क्योंकि अगर उसको पता चल गया हमने उसको मार दिया तो वो डर ना जाए। बट पहले फिलहाल जल्दी से उसके पास पहुंचते हैं। ठीक है गाइस, हम ट्रेसी के पास पहुंच चुके हैं। अभी जल्दी से इसके बाद जाकर इससे बात करते हैं और फिर इसको घर पे छोड़ने चलते हैं। तो वही देखा जिस बात का डर था, वही हुआ। ट्रेसी हमें से पूछ रही है कि क्या हुआ, तो हम इसको ये बता रहे हैं कि उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, जब तक हम ट्रेसी को घर पे छोड़ने जा रहा हूँ, तब तक के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो अगर आप किसी और गेम की भी वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि अभी भी ऑलमोस्ट 80% बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं रेगुलर, बट कभी भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे नहीं चलता। तो ठीक है, अभी ट्रेसी को जल्दी से यहाँ से उतारते हैं और अभी लेस्टर के पास चलते हैं, क्योंकि लेस्टर हमारा वेट कर रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने ट्रेसी को तो घर पे उतार दिया था, बट अभी जैसे ही हम लेस्टर के पास जाने वाले थे तो लेस्टर ने बोला कि मुझे किसी और काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। तो हमें तभी सेलमन की कॉल आ गई। आई थिंक उसने मूवी के रिगार्डिंग ही हमसे कोई बात करनी होगी। तो जल्दी से उसके पास चलते हैं, देखते हैं कि उसने हमसे अभी क्या काम करवाना है, क्योंकि जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तब भी हमें कॉल वगैरह करता है। जल्दी से उसके पास चलते हैं। और हाँ यार भाई, मुझे मालूम है कि आप सभी लोग यानी डिपॉजिटरी वाली हाइस्ट देखना चाहते हो, बट वो अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि लेस्टर अभी वो हाइस्ट करना नहीं चाहता और वो चाहता है कि यहाँ तो हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ट्रेवर के साथ सॉर्ट आउट करें, या फिर हमें कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा जो भरोसेमंद हो और जिसके साथ मिलकर हम ये हाइस्ट कर सकें। बट उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि अगर उसके बाद ड्राइवर को मालूम चला कि वो हमने यूनियन डिपॉजिटरी वाली हाइस्ट कर ली है और उसने पुलिस को बता दिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिलहाल जल्दी से सलमान के पास चलते हैं, गाड़ी को हम यहीं पर लगा देते हैं और जल्दी से उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि अभी उसको हमसे क्या काम है। हेलो हेलो, तो डेव और उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर क्या कर रही है, अभी इनसे बात करते हैं। और सलमान यहाँ पर क्यों नहीं है, जल्दी से इनके साथ बात करते हैं। सभी मेरे डेव के साथ बात हो चुकी है और डेव बोल रहा है कि वो ये फिल्म सिटी को बिल्कुल खत्म कर कर यहाँ पर नए अपार्टमेंट्स बनाना चाहता है, और उन्होंने धक्के से सलमान से उसकी मूवी भी ले लिया है। तो अभी सलमान बोल रहा है कि ये उसका लास्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था और माइकल हमसे हेल्प मांग रहा है, और डेव बोल रहा है कि माइकल मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। बट भाई हम उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो अभी ये बोल रहा है कि मैं तुम जैसे लोगों से ये चीजें नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, वो मेरी फिल्म है और मैं वो फिल्म लेकर रहूंगा, और जो डेव के असिस्टेंट है वो फिल्म की कॉपी लेकर एयरपोर्ट पर जा रही है,
तो अभी हमें जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा इससे पहले कि वो कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दे। तो वो काफी टाइम पहले से निकल चुकी है। डेव हमें कॉल कर कर अभी बोल रहा है कि तुम इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे, मतलब हमको धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और ये बोल रहा है कि हमने पुलिस को पहले ही बता दिया है कि तुम हमसे कोई चीज खोना चाहते हो, और वो एयरपोर्ट पे भी उसकी अपनी सिक्योरिटी है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम डेव को बोल रहे हैं कि हम उस मूवी के प्रोड्यूसर हैं तो हमें हमारी मूवी वापस चाहिए, और जो मर्जी हो जाए हम अपनी मूवी उससे वापस लेकर रहेंगे। तो अभी पुलिस वाले भी हमें ढूंढ रहे हैं, बट हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले वो मूवी चाहिए, वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। वैसे तो वो मुझे कहीं दिख नहीं रही क्योंकि मूवी उसके पास है, एयरपोर्ट पर जाकर भी उसको ढूंढना पड़ेगा। वो लैम्बो से तेज तो नहीं आ सकती भाई, हम तो लैम्बो पूरी भगा कर लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम उससे पहले पहुंच ही जाएंगे अनलेस कि डेव ने उसको बता दिया हो कि हम मूवी लेने आ रहे हैं और वो भी ऐसे पागलों की तरह चला रही हो। बट कोई बात नहीं, हम बस एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं। आई होप कि बस वो प्लेन में बैठ कर कहीं निकल ना जाए। वो दिख तो नहीं रही, लगता है सामने कहीं जा रही है। तो वो रही वो पुलिस की दो गाड़ियां उसको एस्कॉर्ट कर रही हैं, बट हमें इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़े हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। और ये देखो न्यूज़ वाला बंदे लगे भाई, ये तो एक हाई चेस हो गई है और उसकी गाड़ी देखने के चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी ठोक ली। बट ऐसी इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उस मूवी से करोड़ों रुपया बनाएंगे, तो जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं भाई। अभी तो ट्राई करते हैं भाई, ये तो पूरा फिल्मी चेस हो गया भाई। देखो कैसे भाग रही है भाई वो, बट जो मर्जी हो जाए हम उससे ये लेकर ही रहेंगे। तो भाई ये प्लेन स्टार्ट था, इसने गाड़ी को धक्का देखो कैसे मारा, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देखें। और भाई पुलिस हेलीकॉप्टर हमें बोल रहे हैं कि तुम रुक जाओ, अभी हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे हैं, हमसे पहले तो वो है जिसको वो पकड़ ही नहीं रहे, क्योंकि ये तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं पुलिस वाले। तो ये एक प्लेन लैंड कर रहा था भाई, जो प्लेन के पंखे की हवा कितने ज़्यादा रिपल्सन फोर्स लगा रही है, क्योंकि दो गाड़ियाँ उड़ा कर मरी भाई। मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको रोकना पड़ेगा, बट रोकें कैसे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका टायर पंचर कर दें गाड़ी का, और मुझे लगता है कि मैंने इसकी गाड़ी का एक टायर पंचर कर दिया है, बट हमें फिर भी इसको चेस करते ही रहना होगा। तो ठीक है, उसकी गाड़ी उसने दीवार पर मार दी और वो पुलिस वालों को बोल रही है कि मैं उसको मारना चाहता हूँ, जल्दी से उसके पीछे चलते हैं क्योंकि हमें अपनी फिल्म की कॉपी चाहिए, क्योंकि यही सिर्फ एक कॉपी है और ये इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो भाई गलती से पायलट ने प्लेन ऑन कर दिया। ओके भाई, ये इसका तो रेस्ट इन पीस हो गया। जल्दी से अपनी मूवी कॉपी उठाते हैं और यहाँ से भागते हैं इससे पहले कि और पुलिस फोर्स आए। भाई हमारा किसी के साथ कोई भी रोला नहीं है, हमें जाने दो हमारी गाड़ी। ओके, गाड़ी में बैठकर जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमारे पीछे बहुत ज़्यादा पुलिस है और चॉपर भी हमारा पीछा कर रहा है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। एयरपोर्ट से बाहर चलते हैं, मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्योंकि चॉपर तो भी हमारे पीछे से हट गया, क्योंकि लैम्बोर्गिनी की हमारे की स्पीड ही इतनी ज़्यादा कि जहाँ जब तक चॉपर घुमा होगा हम उस एरिया से निकल गए। और अभी आजू बाजू कोई हमारे पुलिस की गाड़ी भी नहीं है, ऐसा करता हूँ कि किसी शांत सी जगह में अपनी गाड़ी को लगाता हूँ ताकि वो मुझे देख ना पाए, क्योंकि वो मुझे सड़कों पर ढूंढ रहे होंगे। अगर मैं पार्किंग में यहाँ पर वेट करूँ
तो आई होप कि हम बच सकते हैं, क्योंकि तो स्टार्स तो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है स्टार्स ने। बट यार वो सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो भाई उन्होंने मेरी गाड़ी को देख लिया, सामने से पुलिस आ गई। अभी और भगानी पड़ेगी, और अभी कुछ दिन पहले ही सारी गाड़ी ठीक करवाई थी उन्होंने, फिर से सारी गाड़ी ठोक दी। यार यहाँ से राइट जाकर देखता हूँ कि अगर मैं इस साइड पर छिप पाऊँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर छिप सकता हूँ, क्योंकि किसी भी गाड़ी ने मुझे यहाँ पर आते नहीं देखा। ट्रेलर्स के बीच में गाड़ी कर लेता हूँ, ताकि ऊपर से अगर चॉपर भी आता तो वो मुझे देख ना पाए। पीछे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि अगर वो इधर को देखने आएंगे तो मैं फंस सकता हूँ। अबे यार सामने से भी मुझे लग रहा है गाड़ी आ रही है, पीछे ही जाना पड़ेगा। भाई ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुकी है पुलिस, यहाँ पर वेट करते हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ पर भी ढूंढ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंकफुली उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और उन्होंने मुझे ढूंढ नहीं पाए। बट ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, और क्योंकि गाड़ी के इंजन में आग ना लग जाए, जिस हिसाब से ये ठुक चुकी है, और देखो बात करते करते फिर से ठुक गई। इसको जल्दी से रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉस सैंटोस कस्टम यहीं पर है। और मैं सेलमन को बता देता हूँ कि हमने फिल्म रिकवर कर ली है, तो जल्दी से गाड़ी ठीक करवाते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। टिल देन बाय बाय, बी सेफ।